नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ड्रैगन को चेतावनी देते हुए कहा, चाहे अस्पताल हो या बॉर्डर, सभी जगह हमारी तैयारी है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संक्रमण के मरीजों के इलाज के लिए नवनिर्मित 1000 बिस्तर के अस्थायी अस्पताल का रविवार को दौरा किया। उसी दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि हम हर मोर्चे के लिए तैयार हैं, चाहे वह बॉर्डर हो या फिर अस्पताल हो, हमारी तैयारी पूरी है। मालूम हो, चीन के साथ सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लद्दाख दौरे पर पहुंच गए थे। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार राजधानी समेत झारखंड के 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह में वज्रपात होने के साथ वर्षा की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, जामताड़ा, देवघर में भी भारी बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि कई जिलों में किसान भाई धान रोपा की शुरुआत कर चुके हैं। 10th 12th रिजल्ट 10 जुलाई तक। मैट्रिक इंटर की परीक्षा दिए छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। जैक की 10वीं बोर्ड की परीक्षा का परिणाम 10 जुलाई तक आ सकते हैं। वहीं इंटर आर्ट्स का रिजल्ट 25 जुलाई तक आने की संभावना है। जैक के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि मैट्रिक इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। जैक कोशिश कर रहा है कि 10 जुलाई 2020 तक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का परिणाम जारी कर दे। झारखंड में आज 59 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो पूर्वी सिंहभूम से 15, पश्चिमी सिंहभूम 5, लोहरदगा 10, धनबाद 7, रांची 5, सरायकेला 4, कोडरमा 3, सिमडेगा 2, पलामू 2, साहिबगंज 1, बोकारो 1, गिरिडीह 1, पाकुड़ 1, देवघर 1, खूंटी से 1 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 2807 है, जबकि 2045 लोग स्वस्थ हुए और 20 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 697836 है, जबकि 4,24,891 लोग स्वस्थ हुए और 19,700 की मृत्यु हो गई। एक्टिव केस पूर्वी सिंहभूम 248, रांची 92, धनबाद 68, सरायकेला 49, कोडरमा 40, गुमला 37, हजारीबाग 32, गिरिडीह 22, पश्चिमी सिंहभूम 21, बोकारो 15, गढ़वा 14, देवघर 15, साहिबगंज 12, दुमका 6, गोड्डा 3, जामताड़ा 0, खुट्टी 4, लातेहार 6, लोहरदगा 25, पाकुड़ 5, पलामू 9, रामगढ़ 7, सिमडेगा 7, चतरा से 6 मरीज एक्टिव हैं। सरांडा में लौह अवश्य का हुआ अवैध खनन पर मुख्यमंत्री करे कार्रवाई, सरजू राय। वर्तमान विधायक सरजू राय ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि सरांडा में एक कंपनी ने अवैध रूप से लौह अवश्य का खनन किया था। यह सब तब के खान सचिव और खान मंत्री की जानकारी में हो रहा था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरजू राय ने यह जानकारी एक ट्वीट के माध्यम से दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक एक कंपनी ने सरांडा में लौह अवश्य का अवैध खनन किया। बुजुर्गों की समस्या का समाधान फोन के जरिए प्रशासन। नीति आयोग के निर्देश के आलोक में रांची में सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान शुरुआत कर दी गई है। अभियान के सफल रूपरेखा तैयार किए जाने को लेकर DDC अनिल मित्तल ने उप निदेशक सामाजिक सुरक्षा शत्रुजय कुमार, जिला प्रशासन के अन्य संबंधित अधिकारियों, NGO, शैक्षणिक संस्थान एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में DDC ने कहा कि महामारी के समय वरिष्ठ नागरिक को विशेष सावधानी बरतने और देखभाल की जरूरत है। ऐसे में इस महामारी के बीच चलाए जा रहे सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान का मकसद सभी वरिष्ठ नागरिकों को फ़ोन के जरिए जागरूक करना, उनका हाल चाल जानना, जरूरी के अनुसार सुविधा उपलब्ध कराना है। झारखंड में 205 कंटेनमेंट जोन में से 153 हुए मुक्त। झारखंड में 31 मार्च से लेकर 30 जून तक संक्रमित मरीज मिलने की वजह से 205 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे। इसमें से 153 कंटेनमेंट जोन से मुक्त हो चुके हैं। राज्य में इस समय केवल 52 कंटेनमेंट जोन है। हालांकि एक दो दिनों से केस मिलने की वजह से नए कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी चल रही है। 30 जून तक झारखंड में बने 205 कंटेनमेंट जोन में से 1,20,513 परिवार की हेल्थ स्क्रीनिंग की गई। इसमें से 52,596 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 465 लोग संक्रमित मिले हैं। जमशेदपुर में पॉजिटिव का शव जलाने गई पुलिस पर हमला। जमशेदपुर में संक्रमित एक मरीज की मौत के बाद रविवार 5 जुलाई 2020 को उसका अंतिम संस्कार करने पहुंची जमशेदपुर पुलिस का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। लोगों ने पुलिस दल पर पथराव भी कर दिया, जिसमें एक महिला जवान समेत कई लोग घायल हो गए। खबर है कि इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तारी भी की गई है।
बिना अनुमति लालू प्रसाद से मिले कांग्रेस नेता सुबोध कांत। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने बिना अनुमति रिम्स में चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बिहार चुनाव समेत कई मुद्दे पर चर्चा हुआ। पिछले चार महीने के दौरान लालू से बिना अनुमति मुलाकात का सिलसिला बढ़ गया है। इस दौरान कई बार जेल मैनुअल के उल्लंघन पर भी सवाल उठे हैं। हालांकि लालू से मिलकर बाहर निकलने के बाद सुबोध कांत ने मीडिया से बताया कि वे सूचना देकर आए थे, लेकिन कारा अधीक्षक के अनुसार इन दिनों किसी को भी लालू प्रसाद से मिलने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। रामगढ़ में ANM निकली पॉजिटिव, 18 बच्चों का किया टीकाकरण। रामगढ़ सदर अस्पताल की ANM के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के होश उड़ गए हैं। ANM ने शनिवार को नगर परिषद क्षेत्र के मुरमा कला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में 18 बच्चों का टीकाकरण भी किया है। बता दें कि 3-4 गर्भवती महिला को भी स्वास्थ्य जांच की है। इसके बाद रात को उसके जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकल गया है। बेगूसराय के कवारिया पहुंचे देवघर बाबा पर जल चढ़ाने। बेगूसराय के कवारिया रविवार को सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए देवघर पहुंचे। ये सावन के पहले सोमवार को बाबा पर जल चढ़ाने की मंशा से यहाँ आए थे, लेकिन रविवार को देवघर पहुँचने के बाद इन्हें जब पता चला कि इस बार बाबा का पट लॉकडाउन की वजह से बंद है और किसी को पूजा करने की इजाज़त नहीं है, ये लोग निराश वापस लौट गए। कवरियों के दल में 5 सदस्य शामिल थे, जिसमें 3 पुरुष व 2 महिलाएं थीं। धूम्रपान पर CISF DIG सख्त होगी कार्रवाई। वैश्विक महामारी संक्रमण से बचाव को लेकर संयंत्र परिसर व अन्य कार्यालय परिसर में धूम्रपान करने एवं गुटखा खाकर थूकने पर रोक है। इसके बावजूद कुछ अधिकारी और कर्मियों द्वारा कार्यालय परिसर में धूम्रपान करने एवं गुटखा खाकर थूकने की शिकायत पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के DIG SS मिश्रा ने सख्त आदेश दिया है। ऐसा करते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की भी हिदायत दी है। सैलून संचालक पूछे हमारा क्या जुर्म। संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के बाद 1 जून से देश में अनलॉक प्रक्रिया चल रही है। झारखंड सरकार ने पहले कपड़ा जूता सैलून और कॉस्मेटिक को छोड़कर तमाम दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी। कपड़ा कॉस्मेटिक और जूता दुकानदारों द्वारा आंदोलन किया गया तो खोलने का आदेश प्राप्त हुआ, लेकिन सरकार ने सैलून व ब्यूटी पार्लर की सुधि नहीं ली है। अब सैलून संचालक भी आंदोलन की राह पर हैं। उन्होंने सैलून खोलने की अनुमति मांगी है। सांसद संजय खेतों में काम किया। रांची के सांसद संजय सेठ ने किसानों के साथ खेतों में काम किया। उन्होंने रांची के बुडमू प्रखंड के साडम गांव का दौरा किया। इस क्रम में सेठ गांव के किसानों से मिले, इनके साथ खेतों में रोपनी की, खेतों में हल चलाया। सांसद ने कहा यदि समाज के किसी भी वर्ग का काम समझना है तो हमें उनके बीच जाना होगा, उनके साथ समय बिताना होगा। अन्नदाता के साथ मिलकर हल चलाना और धान रोपनी करने से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। इनकी मेहनत के कारण हमारी थाली तक खाना पहुंचता है। इनके साथ काम कर बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। पलामू में मानव देवी डेडिकेटेड कॉलेज का परीक्षा फल 100%। जैक बोर्ड द्वारा आयोजित सत्र 19-21 के इंटरमीडिएट के तीनों संकायों के कक्षा 11 का परीक्षा फल शनिवार की शाम को प्रकाशित हुआ। इसमें जिला के कॉलेज मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज का परीक्षा फल 100% रहा। गुमला में श्री सर्वेश्वरी समूह रक्तदान किया। गुमला में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री सर्वेश्वरी शाखा समूह घाघरा जुड़े सदस्यों ने रक्तदान के रूप में अपनी गुरु दक्षिणा अर्पित कर एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। हर साल संस्था द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वैश्विक महामारी की वजह से उत्सव आयोजन नहीं कर सदस्यों ने रक्तदान शिविर लगाने का निर्णय लिया है। राजद के स्थापना दिवस पर साइकिल मार्च। राष्ट्रीय जनता दल ने स्थापना दिवस पर पेट्रोल डीजल में वृद्धि के खिलाफ रविवार को साइकिल मार्च निकाला। विरोध मार्च का नेतृत्व जिला अध्यक्ष अमरेंद्र यादव कर रहे थे। मौके पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव व प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर पार्टी का 24वां स्थापना दिवस महंगाई को समर्पित किया गया। श्रद्धालुओं के सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा, DC।
देवघर उपायुक्त नैनी सहाय की अध्यक्षता में ऑनलाइन बाबा दर्शन की व्यवस्था को लेकर रविवार को समरणालय सभागार में बैठक आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त नैनी सहाय द्वारा जानकारी दी गई कि संक्रमण को देखते हुए झारखंड उच्च न्यायालय व राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार श्रावणी मेला के आयोजन को इस बार स्थगित रखा गया है। ऐसे में श्रद्धालुओं को आस्था व सुविधा को देखते हुए श्रावण माह में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन हेतु ऑनलाइन वर्चुअल दर्शन की व्यवस्था की गई है। पहली सोमवारी आज से पवित्र मास सावन की शुरुआती हो रही है। सावन के पहले दिन ही सोमवार पड़ना काफ़ी शुभ फलदायक माना जाता है। इस वर्ष सावन में 5 सोमवार पड़ेगा। ज्योतिषों के अनुसार बताया गया कि इस वर्ष सावन में कृष्ण पक्ष की 3 सोमवारी और सोमवारी अमावस्या से युक्त 15 दिनों का पूर्ण पक्ष होगा। ये शिव भक्तों के लिए शुभ का कारक होगा। संक्रमण से निपटने में 3T फार्मूला कारगर। रिम्स के पूर्व निदेशक और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर बीएल शेरवाल ने कहा कि वैक्सीन भले बाजार में आ जाए लेकिन नवंबर या दिसंबर से पहले लोगों को इसे छुटकारा नहीं मिलने जा रहा। हर वायरस की पीक अवधि होती है, कोरोना के केस में भी जल्द उछाल आएगा। हालांकि दिसंबर के बाद इसका ग्राफ भी गिरना शुरू हो जाएगा। नवंबर या दिसंबर के बाद लोगों को इसे राहत जरूर मिलेगी। धनबाद में चिकित्सकों ने समान काम समान वेतन को लेकर मांग पत्र सौंपा। धनबाद टूडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो के आवासीय कार्यालय सिजुआ में रविवार को झामुमो नेता अजीत मिश्रा के नेतृत्व में पूर्वी टुडुआ चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर विकास कुमार राणा, टूडी चिकित्सक डॉक्टर सोनी ने अपने अस्थायीकरण एवं समान पद पर समान वेतन बढ़ाने को लेकर मांग पत्र सौंपा है। झारखंड में जंगल राज की वापसी बीजेपी। भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने लातेहार जिला में भाजपा के जिला महामंत्री जयवर्धन सिंह एवं सांसद प्रतिनिधि की हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड में जंगल राज वापस आ गया है। सहदेव ने रविवार को कहा, राज्य में विधि व्यवस्था की पूरी स्थिति चौपट हो गई है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य के सभी अस्पतालों में लगेंगे CCTV कैमरा। संक्रमितों को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने और इलाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी अस्पतालों में CCTV कैमरे लगेंगे। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीज का एक परिजन भी अस्पताल परिसर में रुक सकेगा। इसके लिए रेस्ट रूम बनाए जाएंगे। साथ ही सभी अस्पतालों में मरीज व परिजनों की सुविधा के लिए एक हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए सभी जिलों में एक कमेटी भी बनाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर मदन कुलकर्णी ने राज्य के सभी उपायुक्तों को इस बात को निर्देश जारी कर दिया है। पान मसाला के खिलाफ छापेमारी का निर्देश। राज्य में प्रतिबंधित पान मसालों को लेकर बड़े कारोबारियों के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने राज्य के सभी उपायुक्तों को इस बात को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 5 जून को जारी विभागीय आदेश के माध्यम से अनुमंडल अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को 11 जून के बाद प्रतिबंधित पान मसालों का भंडारण एवं परिवहन अवैध मानते हुए उसे जब्त कर अग्रसित कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। साथ ही साथ आप कमेंट में हमें अपना सुझाव अवश्य दें।